विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभाजनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के एक हिस्सा विंध्य, विंध्य के खूबसूरत जिला सीधी, सीधी माँ अब यदि कहा जाए तो स्थिति यह है कि अब बड़े शहरन के सुविधा एक छोटे से जिला में मिले लागे। जिला में ऐसे हम यह बात करी लागे कहे कि आज यदि देखा जाए तो बेरोजगारी के दर पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब स्थिति यह है कि जो नए लड़का पढ़ के नए लड़के बच्चा निकलने लगे उनके खेती अब आवश्यकता है एक क्वालिटी एजुकेशन के, एक ऐसा एजुकेशन जो उन अपना का रोजगार तक पहुंचा सके। रोजगार अव कौ में बड़े बड़े जैसे IAS, IPS, बैंक PO हो गए। और हमारे साथ यह मामला में बात करे की थी दीपक मिश्रा जी का आज हम आमंत्रित करे हैं और साथ में अपना को बताया थी कि अपना BP कंपटीशन एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाए रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। दीपक जी, या BP कंपटीशन एकेडमी के शुरुआत कैसा है, कैसा अपना का लाभ की एकर आवश्यकता ही सीधी का जी? बिल्कुल, सबसे पहले तो दर्शक को नमस्कार। और BP कंपटीशन एकेडमी की जहाँ तक बात रही तो चूँकि हम एक गरीब परिवार से रहें और पढ़ाई लिखाई करें और तैयारी करें, तैयारी में काफ़ी बाधा आई जो उन्हें कहे गरीब परिवार बहन नहीं कह सके। यह सब चीज़ का देखत रहन और समझ में यह आवा कि कुछ अपने गरीब भाई खातिर, गरीब बहनी खातिर कीन जाए ताकि उनका कुछ बेनिफिट मिल सके। बड़े बड़े शहरन में हम देखी थे कि बड़े बड़े शहरन में अच्छी खासी कम से कम फीस लेके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बड़े बड़े शहरन का उपलब्ध करावा जाता है। वह सुविधा का हम पर यह सीधी शहर में उपलब्ध करावे की कोशिश कर रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे जो भाई बहन हैं वो पढ़ के, एक गरीब भाई बहन पढ़ के बहुत आगे तक निकल सका था। उनके यह आगे उज्जवल भविष्य के कामना के साथ जो है हम यहाँ BP कंपटीशन एकेडमी के माध्यम से उन तक पहुँचा के प्रयास किए और आज के डेट पर हम उनके खातिर अपना कि यहाँ सीधी माँ जैसा कि मोटी मोटी फीस लोग वसूला ला, वह फीस के खातिर कि मोटी फीस एक गरीब भाई नहीं दे सके तो कम से कम फीस माँ उनका उनका जो एजुकेशन है वो उपलब्ध करावा जाए। तो यह देखा गया कि भाई कम से कम फीस का छांटा कैसा के जाए, लोगन का छांटा कैसा के जाए, ऐसा तो मतलब कुछ ऐसा ना कि बिना पढ़े वाले आ जाए। तो उनके खातिर एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया जौने के माध्यम से स्टूडेंट का एक ठीक किताब हमारे संस्था से दीन जाती और वह किताब से ही हम प्रश्न पूछे। वो किताब में हमारे 1000 प्रश्न के संग्रह हैं। वह किताब से हम जो प्रश्न पूछब वो किताब से ही पूछब, यह बात कमिटमेंट है हमारा। प्रवेशों पत्र में हमारा कमिटमेंट है कि हम वो प्रश्न किताबें से पूछब। वह सिर्फ 1000 प्रश्न का यदि वो अच्छे से रीड कर लेता, अच्छे से पढ़ लेता तो उनका फीस में बहुत अच्छी छूट मिली। ठीक है, जैसा कि अपना मोटी फीस ले ली, अपना लंबी फीस 10,000, 15,000, 20,000 एक नहीं दे पाऊँ, तो यदि वो स्कॉलरशिप टेस्ट पास करा था, ठीक है, और शुरू के 10 लड़कियों में उनका स्थान बना था तो उनका हमारे BP कंपटीशन एकेडमी के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई, उनसे 1 रुपया फीस न लीजिए और पूरे 1 साल तक हो सकी हम प्रयास यह करब कि उनका सलेक्शन तक पूरा छूट दी जाए। ठीक है, उसके बाद यदि बीच में यदि शुरू के 50 लड़कियों में आवा था तो उनका कम से कम हमारा प्रयास यह रही कि उनका जो कमिटमेंट किनका है कि फीस में 70% की डिस्काउंट रहे। ठीक है, 70% फीस उनके खाते डिस्काउंट रही, माने उनका 5,000 रुपये हमारा बेसिक पेमेंट है तो हमसे उनका सिर्फ 1,500 रुपये देखिए और 1 साल तक बराबर तैयारी करें, चाहे कौनों एग्जाम के हो। जैसे मान ली पुलिस की भर्ती आई है तो पुलिस की भर्ती में उनका अलग सेपरेट क्लास चलावा जी, है ना, उनके खातिर। और जब तक भर्ती नहीं है तब तक वो कॉमन बैच में बैठी, कॉमन बैच में जैसा कि मैथ रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब्जेक्टों का साथ में बैठ के पढ़ी। ठीक है, फिर एक ही बात शुरू में जैसा कि मान ली शुरू के 100 लड़कियाँ हो गई, शुरू के यदि 10 में स्थान नहीं बना पाया, 50 में नहीं बना पाया, उनका निराश नहीं होगा। शुरू के यदि 100 लड़कियों में स्थान बना हुआ था तो उनका हमारे यहाँ फीस में जो है तो पूरा पूरा 60% का डिस्काउंट है, यानी उनका सिर्फ 2,000 रुपया देखा है, 2,000 रुपया पूरा 1 साल तक पढ़ाई का उनका रही। और वो सब सब्जेक्टन की स्पेशल क्लासेस हैं, 3-3 घंटा क्लासेस हैं, सुबेरे के बैच है, शाम के बैच है, दोपहर के बैच है। और एक ही बात हमारे लिए यदि वो इतने में नहीं कह पामा तो शुरू के 200 यदि 200 स्टूडेंट में 150 स्टूडेंट में आवा था तो उनका जो है
तो पूरे पूरे फीस में 50% की डिस्काउंट रही, यानी 2500 रुपया फीस दी और पूरा एक साल तक पढ़ी। यदि इतने में स्थान नहीं बना पावा तो उनके खातिर एक लास्ट चारा रखा गया है, शुरू के लास्ट के 200 छात्रन का छाटा दिन। यदि उन छात्र 200 छात्रन में आवा था तो उनके खातिर 2000 रुपया, सॉरी उनके खातिर 3000 रुपया जो है तो फीस रखी गई, यानी फीस में 40% के डिस्काउंट करके उनसे 3000 रुपया शुल्क ले और पूरे एक साल तक उनका पढ़ाऊंगा वरना करब उनका स्कॉलर उनका टेस्ट हुई। हर हफ्ता में प्रयास हमारी यह रहे कि हर हफ्ता में उनसे टेस्ट हो, अलग अलग टॉपिक से टेस्ट हो। यदि भर्ती होती हैं जैसे मान ली रेलवे के आए गए तो उनका सबका अलग करके अलग बैच बनावा जी और अलग बैच में उनका एंट्री दीजिए, वही फीस में उनसे कोई फीस अलग से वसूली ना जाए, सिर्फ एक बार फीस में। यह माध्यम से हम प्रयास यह कीनगा कि यदि यह माध्यम से अपने जो भाई बहन हैं वहाँ तक पहुँचा जाए तो शायद है कि उन्होंने बहुत अच्छा भविष्य समझ सकते और इंस्टीट्यूट आगे बढ़ सकते हैं, चूँकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो यह सब चीज़ ध्यान में रख के यह इंस्टीट्यूट की स्थापना करें और बहुत अच्छा है कि अभी चल रहा है, काफ़ी भाई बहन जुड़ के हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 3 बैचेज हैं, सुबह का बैच एक 7 से 10, 11 से 2 और 2 से 5, ठीक है ना। उस बैच में कोई भाई बहन यदि चाहे तो वो आकर क्लासेस ले सकता है, इसके बाद वो एंट्री ले, इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराए, स्कॉलरशिप ले, है ना। ये सारी सुविधाओं को जो हम छात्र को प्रोवाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं और यह में से यह संस्था के शुरुआत है और आज अपना पंजे के सामने है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बड़ी कहते कामयाबी के पीछे एक बड़ा मेहनत होती, बड़ी लगन होती, बड़ा आत्मविश्वास होता है। वह आत्मविश्वास के साथ अब सीधी जिले का एक कहा जाए बड़ा तोहफा मिल रहा है। तोहफा ऐसे ये शब्द के हम प्रयोग करें हैं कि आज यदि बेरोजगारी है तो हमारे उपचन के ऊपर उतनी जिम्मेदारी बना थी अपने परिवार के भरण पोषण के, कहे कि आज के शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि बाप महतारी आज यदि कॉलेज तक पढ़ा देते तो ओके बाद घर की स्थिति दयनीय हो जाती। फिर वो कल्पना करा थी कि हमारा लड़का बेहतर रोजगार करे, सरकारी नौकरी करे, तब यह आवत है नाम, तब फिर उठे अपना का ध्यान ही कि एक बेहतर गुरु, कहे कि बिन गुरु ज्ञान नहीं हो सकता है, और बेहतर गुरु यदि मिल गया तब फिर अपना का नौकरी मिली, ज्ञान मिली, सम्मान मिली। तो वह में बीपी एकेडमी जो है कंपटीशन एकेडमी लगातार प्रयास कर रही है, अभी वर्तमान में 200 बच्चन का लगातार शिक्षा दे रहे हैं और अब और लोगन तक, कहे कि अपना सीधी क्या ही दर्द अपना के सीधी के दर्द अपने जान सका थे, कहे कि भोपाल और इंदौर वाले हमारा अपना के दर्द ना समझिए, ऐसे अपना का मालूम है कि कम पैसा माँ या हमार घर की स्थिति यदि कमजोर ही तो ओ माँ हम बेहतर शिक्षा कैसा ली, बेहतर शिक्षा कैसन सामने वाले का दे देव, वह दीपक भाई से बेहतर को नहीं जान सके, ऐसे कहे कि अपना सीधी क्या ही उस सीधी के दर्द अपना के दर्द हमार दर्द दीपक भाई जाना थे। तो यह पूरी बात है दीपक भाई, या अपने यहाँ कौन कौन अबे कोर्स चल रहे हैं या कौन कौन कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की जा रही? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है तो प्रेजेंट में अभी वर्तमान में जो है तो कॉमन बैचेज चल रहे हैं। कॉमन बैचेज बोले तो चूंकि भर्ती में लगी नहीं है, सामने भर्ती कोठे सामने है एक बहुत भर्ती, लेकिन उनका कोई डेट क्लियर नहीं है, डेट क्लियर नहीं है। तो यह स्थिति में चूंकि जब तक भर्ती की डेट क्लियर नहीं हो, सिलेबस क्लियर नहीं हो, तो वहाँ मतलब एक अंधी दौड़ हो जाती है ना। तो जब तक सिलेबस क्लियर नहीं हो तब तक चूंकि मैथ गणित जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक अपना के रीजनिंग सब्जेक्ट है वह बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक अपना के जीएस सब्जेक्ट है, जीएस ऐसा कहा जा सकता है कि जीएस में अपना के बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो उनका एक सीमित समय में कंप्लीट की जा सकती है, लेकिन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जनरल साइंस जो अपना सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उनमें बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है, जैसे इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, भूगोल हो गया, खेल समाचार हो गया अपना के, ठीक है ना, इंडिया के हो गया, भारत देश विदेश हो गया, रिलेशन हो गया, इंडिया विश्व रिलेशन हो गया, ठीक ना, बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट हैं जो सामान्य अध्ययन में समाहित होती हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो गया। तो ये सब चीज़न का देखत रहन और यह प्रयास भा हमारे कि यदि हमारा सब्जेक्ट चल रही है तो चूंकि भर्ती दबा सामने है ही नहीं तो काहे ना हम इनका यह माध्यम से प्रिपेयर कर रहे हैं, चूँकि जौन भी गंसी आवत है उस सब में गणित अपना के जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, वह चीज़ का सामने हर वैकेंसी में पूछा जाता है, ठीक है। तो यह बाकी इनकर यह पहले से तैयारी चल रहा है, जैसे सिलेबस आवत है, जैसे उनका नोटिफिकेशन जारी होता है सिलेबस आवत है,
और सिलेबस वही से जैसा आवत है सिलेबस वही से उनका क्लास बना दीजिए और क्लास बनाकर उनका सबका सेपरेट क्लास प्रोवाइड कीजिए। जब तक फिलहाल वैकेंसी नहीं है तो तब तक डायरेक्ट क्लास में चल रहे हैं। तो जैसा कि कौन लड़का पुलिस की तैयारी कर रहा था हमारे यहाँ, कौन लड़का रेलवे की तैयारी कर रहा था हमारे यहाँ, कौन लड़का हमारे यहाँ SSC की तैयारी कर रहा था, कौन लड़का बहुत ऐसा लड़का हाँ जो UPSC जैसे पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि उनका ये पता है कि पढ़ाई का हमें है, हमारा जो डाउट है हमारा जो कंटेंट है वह चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए यह चीज़ रखागा और जैसा कि अपना अभी बात करेंगे कौन कौन कोर्स संचालित था, बिल्कुल है मैं कोर्स हमारे यहाँ एक जैसा अभी हमारे यहाँ लड़का पढ़ रहे हैं, अब देखिए अपना एक सामने एग्जाम्पल है अपने पूरे हमारे यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं, वो 200 लड़के में हमारे यहाँ कम से कम 15 से 16 लड़के ऐसा रहे जो संविदा वर्ग दिन खातिर एलिजिबल रहे, उन लड़कियों का काट के अलग से क्लास बना दें। अब वह फीस में वही फीस जो 1,500, 2,000, 4,000 रुपया 5,000 रुपया जो दाई के पढ़ाते रहे वही फीस में हम उनका संविदा के क्लास प्रोवाइड करेंगे। अब इतना ही नहीं संविदा के जैसे पेपर हो जाए एक ही बाद अगला जो पेपर है अगली जो वैकेंसी है यदि वो की खातिर एलिजिबल हाँ तो उन लड़कियों का हम कन्वर्ट कर दें वह, ठीक है ना। तो उनका यह सब चीज़ों के बेनिफिट हमारे यहाँ से हमारे BP कंपटीशन एकेडमी के माध्यम से और हमारे पूरी टीचर फैकल्टी के माध्यम से उनका उपलब्ध करावा जाए, वहाँ तक पहुँचावा जाए, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके उतना देख प्रयास कीजिए ताकि अपन सीधी शहर का बहुत आगे बढ़ावे का। और आगे बढ़ावे के सर तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, यदि शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है, है ना। शिक्षा स्तर को बढ़ाना है, अब शिक्षा स्तर को बढ़ाना है तो गरीब व्यक्ति कैसे बढ़ाएगा, गरीब व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता। यकीन मानिए हमारे कुछ मित्र हैं जो बेचारे पैसे की वजह से सेल्फ स्टडी करना पसंद किए। अच्छा सेल्फ स्टडी करना गुनाह नहीं है सर, जब सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन है वो सेल्फ स्टडी वाले बंदे पा रहे हैं ये बात सत्य है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि उस सेल्फ स्टडी के पीछे गुरु जरूर है, क्योंकि उनके पास सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो उनके पास एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आया, अब उसका कंफ्यूजन क्लियर कहां से हो। तो क्लियर करना है यदि तो हम मोटी मोटी रकम दे करके एक इंस्टीट्यूट डेवलप करें, किसी इंस्टीट्यूट में हम जाएं तो वहां पूछें, बेहतर होगा यदि कम पैसे में हमें वो मार्गदर्शन मिल रहा है तो हम क्यों ना प्रोवाइड करें उसे। और इसी उम्मीद के साथ हम जो है तो ये कोर्स संचालित कर रहे हैं और बाकी सभी बच्चों को हम बहुत अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबके माध्यम से इन सबको बताना चाहता हूँ कि जो है तो स्कॉलरशिप टेस्ट है और सभी लोग इसका वो करें, स्कॉलरशिप टेस्ट दें और अपने सभी इष्ट मित्रों को, वो कहीं भी पढ़ते हों, जरूरी नहीं कि वो एक फ्रेशर हों तभी हमारे यहाँ पढ़ने आए, वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं यदि वो अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता को आजमाना चाहते हैं तो 26 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, 26 जनवरी तक हमारी लास्ट डेट है लेकिन हम इसको बढ़ाकर 30 जनवरी कर रहे हैं। तो 30 जनवरी के पहले वो किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपया है सर, 50 रुपया आज के ज़माने में कुछ नहीं है, आप कहीं एक चाट वाले के पास खड़े हुए 50 रुपए का चाट यकीन मानिए बिना पूछे खिलाता है वो, है ना, 4-5 लोग हो जाइए तो कुछ नहीं है। एजुकेशन के लिए यदि आपको अपने में निखार लाना है उसमें भी हम एक किताब दे रहे हैं, इनको प्रोवाइड करा रहे हैं किताब, आप उस किताब को पढ़ो और उस किताब से पेपर दो, है ना। और यदि आप टॉप 10 में आते हो तो मेंबरशिप हमारे यहाँ की मिल जाएगी, तो जो मेंबरशिप मिल जाएगी तो इनको बेनिफिट होगा, है ना, और ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कोई जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ एडमिशन लें इसकी बाध्यता नहीं है, वो खाली स्कॉलरशिप टेस्ट दें और उनको ये जानकारी मिले, उनको ये पता चले कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वो अपने आप को आजमा सकते हैं। निश्चित तौर पर जो अभी दीपक भाई के द्वारा बताई गए एक बेहतर दिशा खातिर बेहतर दशा हो जरूरी है, और दशा तब मिल सका थी जब गुरु हो, और गुरु आज के समय में कहा थे कि हर चीज़ ढूंढी जाए इसका थी बेहतर गुरु के खातिर, अब दियो बाती लेके अपना नहीं हेर सकी, ऐसे अब स्थिति यह है कि अपना खुद कहे कि या जो एकेडमी है उनके डायरेक्टर के द्वारा खुद कहा जाने लगे कि अपना का कौनो बाध्यता नहीं है, अपना वो टेस्ट दी जो उन स्कॉलरशिप टेस्ट है, टेस्ट का दय के बाद अपने आपके क्षमता का खुद पहचानी, हम जो बुकलेट मिला लाई 50 रुपया अपना जमा करा बोकर रजिस्ट्रेशन फीस, वो बुकलेट मिली और बकायदा वो बुकलेट से अपना पढ़ के वो टेस्ट दे, अपने आप को खुद आकलन करी कि हम कितने पानी में हैं और आगे जाए के हमका का बेहतर सुविधा एकेडमी दे सका थी, इंस्टीट्यूट दे सका बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास, और यदि अपना के अंदर है वह हुनर है वह ताकत है तो अपना का एकेडमी खुद प्रोत्साहित करी, कम से कम शुल्क में बिल्कुल फ्री आपकास्ट 10 लोगों का फ्री आपकास्ट, फिर उसके बाद टॉप 50 के है, फिर टॉप 100 के है, फिर 200 के है, मतलब एक बेहतर अपना का व्यवस्था दे के वादा कह रही है यह एकेडमी, अपना पचे यही, और या सहभागिता जरूर करी, कहे कि
अपने आप का आके खीतिर ऐसे बड़ा मौका नहीं मिल सका। कहे कि ये माँ पूरे सीधी जिला के लोग शामिल हुई, वह हर बच्चा शामिल हुई जे सरकारी कंपटीशन की तैयारी करत है। ऐसे अपने आप का भले अपना एडमिशन ले ही न ले ही, मगर वह टेस्ट में अपना जब आऊ तो अपने आप का आके के अपना का मौका जरूर मिली। और या एकेडमी का हमारे तरफ से एमपी संदेश की ओर से शुभकामना है ऐसे कि गरीब बच्चन खेती रहो, छोट छोट परिवार जौन आज गुजर बसर खेती अपने जीवन यापन खेती कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उनका लड़का बच्चा पढ़े चाहत है किंतु उनके पास पैसा नहीं है, वह में एकेडमी आज आई है सामने। और हमका खुद खुशी हो लगी दीपक भाई से बात करके कि अपना यह पहलू का सोचन कि अच्छा पैसा केहू खेती कितना मायने रख सकता है। हाँ। अच्छा हमारे यहाँ एक क्यों बेनिफिट है, हमारे यहाँ माखालाल यूनिवर्सिटी से अब हम फ्रेंचाइजी ले लें, चूंकि अभी मान्यता ओपन नहीं है तो फ्रेंचाइजी ले लें, है ना। फ्रेंचाइजी लेके जो लड़का डी सी पी जी डी से करे चाहते उनका कहाँ भटके की जरूरत नहीं है, यहाँ वह मिली बीपी कंपटीशन एकेडमी में अपना डी सी ए पी जी डी से जैसे कोर्स उपलब्ध हो चुके हैं और सी पी सी टी हम उपलब्ध करा, चूंकि होत कहा है कि अधिकतर जो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ले लागे अपना दिखे हो, पिछले साल पटवारी के एग्जाम भरा लोग लड़का डी सी पी जी डी से करके बैठे रहे, पता चला फाइनली वह सी पी सी टी में आ गया, तो लड़का हम वंचित ना रह सका यदि वहाँ पढ़े आवा था हमारे सेंटर में कोनो छात्र छात्रा यदि हमें हमारे यहाँ पढ़े आए रहे हैं तो वंचित ना रहा, उनका सारी सुविधा एकेडमी उपलब्ध करावा रहे। और बीपी कंपटीशन एकेडमी में अपना के स्कॉलरशिप के माध्यम से जैसा कि अभी अपना के बदौबे बहन के स्कॉलरशिप के माध्यम के से हम बहुत मदद करना चाहे थे लोगन के, लोग आवा होकर बेनिफिट उठावा अपन क्षमता का आका, ठीक है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि सर पढ़ाई लिखाई तो ठीक है अपने स्तर पे है, पढ़ाई लिखाई लोग करता, लेकिन उनका एक समस्या यह आवत थी कि फाइनली हमका इसे सुने मावा कि कुछ लोग कहीं फिजिकल मनी कर गए, मेडिकल मनी कर गए, तो उनका बीपी कंपटीशन एकेडमी एक ट्रेनिंग फ्री में उपलब्ध करावा थी। फिजिकल ट्रेनिंग जो है बीपी कंपटीशन एकेडमी में एक रुपया नहीं ले जाके उसे बराबर उनका फिजिकल ट्रेनिंग उपलब्ध करावा जाती, जो मां हम बीच बीच में मेडिकल प्रयास कर के बलाई और लोगन का उनका जो हम छात्र छात्रा हैं उनका हम तराशे का प्रयास करी कि किन के में का कमी है वह चीज़ का बेनिफिट उठावा, ठीक है। और बिल्कुल फिजिकल ट्रेनिंग हमारे यहाँ संस्था में अपना कौनों एडमिशन ले ली, सी पी सी टी में एडमिशन ले ली, चाहे अपना हमारे यहाँ डी सी पी जी डी में एडमिशन ली, चाहे हमारे यहाँ क्लास में एडमिशन ली, कंपटीशन क्लासेस में एडमिशन ली, चाहे अपना स्कॉलरशिप दे ली, एक के बाद स्कॉलरशिप दे के बाद यदि अपना चाहे थे लड़का हमारा चाहा था स्टूडेंट चाहा था, ठीक है, कि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी ला हम कहाँ आऊ पढ़ी थे, हम चाहे कि यहाँ फिजिकल कर ले तो बिल्कुल उनका स्वागत है, है ना। फिजिकल ट्रेनिंग हम उनका फ्री में उपलब्ध कराओ, जितना हमारे से हो सके हमसे उतना हम इनका फ्री में देकर कोशिश करब। और चूंकि आवश्यकता आविष्कार के जननी है, जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक ये कोई मतलब नहीं है ना, तो हम उनको यदि फ्री में दे रहे हैं तो वो उसकी कीमत समझें, क्योंकि एक समय के बाद बहुत पछताएंगे, तो अभी वो उस चीज़ की आप लोग कीमत समझें और अच्छे से आप लोग आए और क्लासेस में एडमिशन लें और पढ़ाई करें, है ना सर। निश्चित तौर पर अब जो है कहा थे ना कि जब भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, हमका था दीपक भाई के सल की स्कीम समझ में आई, और हम लोगों से अपील यह करब कि एक छत के नीचे अपना का हुआ हर सुविधा पढ़े वाले लड़का बिटियन का मिले वाली है। तो ऐसा मतलब जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है उनके खेती देखिए चाहे कितना बड़ा कॉलेज हो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट हो कौनो मतलब नहीं है, किंतु जब पढ़े वाले लड़का बिटिया हैं उनके खेती एक छत के नीचे वह सारी सुविधा है जो एक सरकारी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो चाहिए, वो के खेती पूरा प्रयास रही और पूरा गाइडेंस कहके डायरेक्टर उनकर पूरी टीम पूरा इंस्टीट्यूट के पूरी व्यवस्था बनाई और अपना के उज्ज्वल भविष्य के बेहतर बना और बेहतर बनाबे खातिर लगातार प्रयास करी। और यह रहा आज के यह शिक्षा के एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम अपना का फिर से कौनो विशेष व्यक्ति से रूबरू कराऊ जो ने माँ शिक्षा से जुड़ी बातन का दिखाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।